हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए स्टोरी द लास्ट लीफ का, तो आप किस प्रकार से राइट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी हेडिंग के थ्रू, कि किस तरह से आप हेडिंग लिखोगे और उसके अंदर कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि देखिए, ओ हेनरी इज एन एकम्प्लिश्ड ऑथर एज ऑल्सो सजेस्टेड बाय द स्टोरी द लास्ट लीफ। द स्टोरी हैज बीन ब्रिलियंटली रिटन विदाउट लिविंग आउट एनी लूज एंड्स। यानी कि जो ओ हेनरी हैं वो एक कुशल लेखक, एकम्प्लिश्ड मतलब कुशल, ऑथर मतलब लेखक है, जैसा कि सजेस्ट किया गया है। यानी कि कहानी से पता चलता है कि पत्ती के लिए आखिरी कहानी को, यानी कि द लास्ट लीफ पत्ते की जो कहानी है, आखिरी पत्ता जो होता है, द स्टोरी हैज़ बीन ब्रिलियंटली रिटन विदाउट लिविंग आउट। यानी कि कहानी को बिना किसी अंत के, कहानी को बिना किसी अंत को छोड़े शानदार ढंग से लिखा गया है। यानी कि जो कहानी है बिना किसी लूज के वो शानदार तरीके से, यानी कि ब्रिलियंटली रिटन विदाउट लिविंग आउट एनी लूज एंड्स, यानी कि किसी अंत को छोड़े शानदार ढंग से इसको लिखा गया है। तो ये आप पहले लिखोगे, इतना इसके बारे में आप बताओगे, फिर आप लिखोगे द सेटिंग हेडिंग। अब देखिए, द सेटिंग में क्या लिखना है आपको। द स्टोरी इज सेट इन क्वेंट ओल्ड ग्रीनविच विलेज। यानी कि कहानी विचित्र पुरानी ग्रीनविच गांव में स्थापित है, वेयर द रेंट्स आर लो, यानी कि जहां पे घरों के किराए जो हैं वो बहुत ही कम है, लो है। इट इज़ नॉट अ वेल डेवलप्ड अर्बन सेटअप, यानी कि यह एक अच्छी तरह से विकसित शहरी सेटअप नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे गांव टाइप का है। बट रेदर द अपोजिट, बल्कि इसके विपरीत, इट इज़ एन एरिया प्रिफर्ड बाय स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट ट्राइंग टू मेक एंड मीट। बल्कि इसके विपरीत, यह संघर्षरत कलाकारों के द्वारा पसंद किए जाने वाला क्षेत्र है। यानी कि ये कलाकारों के, कलाकार जो है ना, उनके मनपसंद का ये क्षेत्र है। द सेटिंग इट सेल्फ सेट्स द टोन ऑफ स्ट्रगल एंड सफरिंग थो इन माइल्ड वे। यानी कि जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह सेटिंग संघर्ष और पीड़ा का स्वर सेट करती है, हालांकि हल्के ढंग से। अब देखिए, कैरेक्टर्स में आपको क्या राइट करना है। पहले सेकंड हेडिंग आपकी होगी कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में आप राइट करेंगे देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स। यानी कि कहानी जो है उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स हैं, थोड़े से पात्र हैं। इन द स्टोरी द मेन कैरेक्टर्स आर जॉन्सी। यानी कि जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, मुख्य पात्र जो है वो जॉन्सी है, ए यंग एस्पायरिंग पेंटर सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। यानी कि एक युवा महत्वाकांक्षी चित्रकार, वो किससे ग्रसित है, निमोनिया से। हर फ्रेंड एंड रूममेट सू, देयर नेबर बहरमैन एंड एज्ड पेंटर हु हैज़ स्पेंट हिज लाइफ वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट हिज। देखिए, जो कहानी का जो है वो पात्र कम है, और द मेन कैरेक्टर्स आर जॉन्सी, यानी कि जो मुख्य पात्र है वो जॉन्सी है,
और एक युवा महत्वाकांक्षी चित्रकार, उसकी दोस्त और जो रूममेट है वो क्या है, वो न्यूमोनिया से पीड़ित है। सू उनका पड़ोसी है यानी कि बहरमैन, एंड एज्ड पेंटर एक वृद्ध चित्रकार है जिसने अपना जीवन अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने के अवसर की प्रतीक्षा में बिताया है, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, और क्रिएट हिज मास्टरपीस एंड द डॉक्टर हु विजिट्स जॉन्सी, यानी कि और डॉक्टर जो जॉन्सी से मिलने आता है, ईच ऑफ दिस कैरेक्टर हेल्प शेड लाइट ऑन जॉन्सी, हर इलनेस एंड हर मेंटल स्टेट, वाइल ईच ऑफ देम ट्राइज टू डू देयर बेस्ट टू हेल्प हर फाइट द डिसीज, शी इज ट्रीमेंडसली पेसिमिस्टिक एंड इज बेंट ऑन डाइंग, दिस मेक्स द इल गर्ल द फोकस ऑफ एवरी वंस अटेंशन। अब देखिए, जो डॉक्टर मिलने आता है जॉन्सी से, वो क्या है कि ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स यानी कि जितने भी कैरेक्टर हैं, इनमें से प्रत्येक पात्र जो है वो जॉन्सी की बीमारी से और उसकी मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालने में मदद करते हैं। अब देखिए, जबकि उनमें से प्रत्येक उसे बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, टू डू देयर बेस्ट टू हेल्प हर फाइट द डिसीज, यानी कि जो जॉन्सी है और जो डॉक्टर है और जो फ्रेंड है, यानी कि जितने भी करेक्टर है ना, ये सारे क्या है, उसकी बीमारी से लड़ने में उसकी मदद करते हैं। शी इज ट्रेमेंडसली पेसिमेटिक एंड इज बेंट टू ऑन डाइंग, यानी कि वह अत्यधिक निराशावादी और मरने पर आमादा है। इस प्रकार बीमार लड़की सभी के ध्यान का वो केंद्र बन जाती है। देखिए, थीम वन, फैथ वर्सेस साइंस, यानी कि जो पहली थीम है, आप इस तरह से हेडिंग देखिए, तीन थीम होगी इस कहानी की। पहली थीम है फैथ वर्सेस साइंस, और सेकंड जो थीम है वो है द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, और तीसरी थीम जो है वो है फ्रेंडशिप। तो आपको ये तीनों थीम के बारे में राइट करना होगा शॉर्ट में, आप चाहें तो शॉर्ट। वैसे मैंने काफ़ी शॉर्ट इसे बनाया हुआ है और काफ़ी आसान वर्ड्स हैं जो आपको आसानी से लर्न हो सकते हैं। अगर आप इसको कहानी के थ्रू लर्न करेंगे और अपने से एक्सप्लेन करके राइट करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह से आप हेडिंग राइट करके ऐसे राइट करोगे। अब देखिए, पहली थीम जो है फैथ वर्सेस साइंस में, व्हाइल द डॉक्टर टेल्स सू दैट हिज मेडिसिन कैन क्योर हाफ ऑफ जॉन्सीज इलनेस, यानी कि जबकि जो डॉक्टर है वो सू को बताता है कि उसकी दवा से जॉन्सी की आधी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। He also tells her that she has made up her mind that she is not going to get well. यानी कि डॉक्टर उसे बताते हैं, वो उसे यह भी बताता है कि उसने मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं होगी। इस प्रकार लड़ाई जॉन्सी और निमोनिया के बीच एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई बन जाती है। The fight thus becomes a psychological on between Jonesy and the pneumonia. जैसा कि मैंने बताया कि जो लड़ाई है ना, वो जॉन्सी और निमोनिया के बीच एक साइकोलॉजिकल लड़ाई बन जाती है, यानी कि वो सोचती है, जो जॉन्सी है ना, वो सोचती रहती है कि मुझे निमोनिया हो गया है, अब मैं ठीक नहीं होंगी और अब मैं मर जाऊंगी। तो वो काफ़ी निराश हो जाती है। तो उसी तरह से डॉक्टर ने बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई बन जाती है जॉन्सी और निमोनिया के बीच। हेयर साइंस फेल्स वाइल बहरमैन मैनेज टू कीप जॉन्सी फैथ इंटैक्ट एंड शी सर्वाइव्स, यानी कि यहाँ विज्ञान जो है वो क्या है, विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि बहरमैन जॉन्सी के विश्वास को बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ही हैज टू पे अ हैवी प्राइस फॉर इट, यानी कि और वह दुर्भाग्य से बच जाती है
इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अंततः अल्टीमेटली यानी कि अंततः फैथ विंस और साइंस यानी कि विज्ञान पर विश्वास की जीत हो जाती है। अब देखिए थीम टू हमारी है द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की अच्छाई। When Sue tells Barman about Johnsy's obsession with the leaf and her own chances of survival, जब सू बहरमैन को जॉन्सी के प्रति जुनून obsession यानी कि जुनून और उसके जीवित रहने की संभावनाओं के बारे में बताती है तो वह जो युवा लड़की है ना यानी कि यंग गर्ल He takes it upon himself to save the young girl. He is not even related to either of the girls and is under no compulsion to go out of the way to help them. But he does. That is how the story touches upon the goodness of the human soul. He did not even live long enough to be appreciated for his supreme sacrifice. जैसा कि मैंने बताया कि जब सू बहरमैन को जॉन्सी के पत्ते के प्रति जुनून और उसके जीवित रहने की संभावनाओं के बारे में बताती है तो वह उस युवा लड़की को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और यह दोनों लड़कियां जो हैं लड़कियों में से किसी से भी संबंधित नहीं है और रास्ते से हटाने के लिए बाध्य नहीं है, उनकी मदद करें लेकिन वह करता है। इस तरह कहानी जो है वो मानव की आत्मा की अच्छाई को वो क्या है छूती है, टच करती है, टचेस अपॉन द गुडनेस ऑफ द ह्यूमन सोल यानी कि वो मानवता जो है अच्छाई जो है वो ह्यूमन के सोल को टच करती है। He did not even live long enough to be appreciated for his supreme sacrifices. यानी कि वह इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहा कि वह उसके सर्वोच्च बलिदान के लिए उसकी सराहना की जा सके। अब देखिए तीसरी थीम जो है वो क्या है फ्रेंडशिप की है। The story shows friendship on two levels. यानी कि यह कहानी दो स्तरों के दोस्तों को दर्शाती है। The first example of friendship is very evident. यानी कि जो पहला example है, पहला उदाहरण है, Sue और Johnsy से स्पष्ट है। Of Sue and Johnsy, they are roommates and Sue is shown as a sincerely caring person. यानी कि जो दो दोस्ती हैं वो दोनों क्या है रूममेट हैं और सू एक ईमानदारी से देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो जॉन्सी को बेहतर रूप यानी कि शी कैन टू मेक जॉन्सी फील बेटर। वो क्या करती है जॉन्सी को बेटर यानी कि अच्छा फील करवाने के लिए कुछ भी करती है। द सेकेंड अंडर स्टेटेड एग्जाम्पल इज यानी कि जो दूसरा एग्जाम्पल है बहरमैन एंड जॉन्सी इन फैक्ट इट इज़ हिज फ्रेंडशिप दैट सेव्स द गर्ल्स लाइफ। यानी कि जो दूसरा एग्जाम्पल है उदाहरण है बहरमैन और जॉन्सी का है वास्तव में यह उसकी दोस्ती ही है जो लड़कियों की जान बचाती है। अब देखिए इमेजरी क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी इमेजरी। द स्टोरी इज फुल ऑफ डेथ रिलेटेड इमेजरी लाइक द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम स्केलेटन ब्रांचेस। यानी कि यह कहानी मृत्यु संबंधी कल्पनाओं से भरी हुई है जैसे कि शरद ऋतु कोल्ड ब्रेथ यानी कि शरद ऋतु और की ठंडी सांस कंकाल की पत्तियां जैसी नाजुक शाखाएं फ्रैजिल as a leaf and many such instances. In fact, the author almost convinced the readers that Johnsy will not make it through the illness. यानी कि यह कहानी मृत्यु संबंधी कल्पनाओं से भरी हुई है जैसे कि शरद ऋतु की ठंडी सांसें स्केलेटन ब्रांचेस यानी कि कंकाल की पत्तियां जैसे नाजुक शाखाएं
और ऐसे कई उदाहरण हैं। वास्तव में लेखक जो है वो पाठकों को लगभग आश्वस्त कर रहा है कि जॉन्सी इस बीमारी से उबर नहीं पाएगी। इट इज ओनली इन द एंड दैट सू डिस्क्लोसेस टू जॉन्सी दैट इट वॉज इन फैक्ट बहरमैन द फियर्स लिटिल मैन हु पेंटेड हिज मास्टरपीस एंड इंस्पायर्ड हर टू लाइव। यानी कि इट इज ओनली अंत में सू ने जॉन्सी को बताया कि यह वास्तव में वह बहरमैन भयंकर छोटा आदमी था जिसने उसकी उत्कृष्ट कृति को चित्रित किया और उसे जीने के लिए क्या करता है प्रेरित किया। कौन किया? बहरमैन ने। एक वॉल पे वो क्या करता है पेंटिंग बनाता है पत्ती की और उसको जीवित रहने के लिए उसने प्रेरित किया उससे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी आयरनी। द स्टोरी इज आयरोनिकल। आयरोनिकल इन द सेंस दैट व्हाइल बहरमैन स्पेंट हिज लाइफ वांटिंग टू क्रिएट हिज मास्टरपीस। यानी कि कहानी इस अर्थ में विडंबनापूर्ण है कि बहरमैन ने अपना जीवन अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने की चाहत में बिताया। He did eventually create it, but it was recognized only after he passed away. Also, the painting did not contribute to his financial gains, but even in death, it brought him immense satisfaction. For that is why he risked his own life to complete it. यानी कि आखिरकार उन्होंने इसे बताया कि लेकिन इसकी पहचान उनके निधन के बाद हुई। यानी कि जब वो मर जाते हैं तब उनकी पेंटिंग जो है वो पहचान में आती है। साथ ही पेंटिंग ने उनके वित्तीय लाभ में भी योगदान नहीं दिया, लेकिन मृत्यु के बाद भी इससे उन्हें अत्यधिक संतुष्टि मिली, इसलिए उन्होंने इसे पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। यानी कि उन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल दी थी। ये था आपकी कहानी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो आपका एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आप इस तरह से राइट करोगे। आप देखिए डू नॉट राइट द समरी, यानी कि आप अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा है तो आप समरी नहीं राइट करोगे, ठीक है। यानी कि ये आलोचनात्मक प्रशंसा के लिए कहानी का सारांश नहीं लिखना है आपको। इसके बजाय आप कहानी की चेकअप करें, यानी कि सूचीबद्ध शीर्षकों का उपयोग करें। यानी कि कहानी में जो बताया गया है उसको हेडिंग वाइज आप उसको राइट करोगे और बताओगे। तो ये रहा आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। होप आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल हो। आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।